हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट पेरेंट्स स्मार्ट स्टूडेंट्स। सो हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये टॉपिक देखा था कि रटना वर्सेस समझना या फिर बाय हार्ट मेथड वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। सो वहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि अंडरस्टैंडिंग करना या फिर समझ के पढ़ाई करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऐसे क्या इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है जिसकी वजह से एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई समझ के करेगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेक इट इंटरेस्टिंग। यस, आपको जो भी चीज़ सीखनी है, लर्न करनी है, समझनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी होंगी। लाइक आप लर्न करते टाइम बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हो, उसे अंडरलाइन कर सकते हो, अलग अलग कलर पेंस का इस्तेमाल, हाइलाइटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, डायग्राम जो है, ड्राइंग जो है वो बना सकते हो, अलग अलग एक्रोनिम्स या फिर शॉर्ट फॉर्म्स भी बना सकते हो। लाइक हमें 7 कलर्स ऑफ रेनबो का शॉर्ट फॉर्म पता है, विबग्योर, राइट? उसका मीनिंग ये होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट? सो इस तरीके से आप जो है जो भी लर्न करना चाहते हो, जो भी सीखना चाहते हो, उसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। सो किसी भी चीज को अगर आप इंटरेस्टिंग बना लेते हो तो उसे समझना भी उतना ही आसान हो जाएगा। हमारा सेकंड पॉइंट है मेन कीवर्ड्स और 80-20 रूल, या फिर उसे पैरेटो प्रिंसिपल भी बोला जाता है। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, तो उस पूरे पैराग्राफ में से या फिर चैप्टर में से ऐसे मेन कीवर्ड्स ढूंढ के निकालने हैं जो पूरे चैप्टर को या फिर पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करे। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपको ऐसा 20% पोर्शन सेपरेट करना है या फिर निकालना है जो कि 80% पोर्शन को रिप्रेजेंट करे। दैट मीन्स उनमें जो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वो ढूंढ के निकालने हैं और उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। इस प्रिंसिपल को एक्चुअली पैरेटो प्रिंसिपल भी बोला जाता है। अगर सिंपली एक एग्जांपल दूं तो वो ये कि किसी भी कंट्री का 80% पैसा जो होता है वो वहीं के 20% लोगों के पास होता है। दैट मीन्स इसे 80-20 रूल भी बोला जाता है। सो इस तरीके से आप पढ़ाई में भी इस रूल को यूज कर सकते हो। ऐसे मेन कीवर्ड्स को ढूंढ के निकालो जो कि पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट करे। इसके ऊपर मैं और एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए ताकि वो वीडियो जैसे ही आए आपको पता चलेगा। हमारा तीसरा पॉइंट है तोड़ तोड़ के सीखो। यस, हमेशा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पूरी की पूरी चीज कभी भी एक टाइम में समझ में नहीं आती, आपको उसे तोड़ना पड़ता है। तो यही यहाँ पे भी करना है कि आपको जो भी चीज, जो भी डेफिनेशन है, जो भी पैराग्राफ है समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसे ब्रेक डाउन करना है छोटी छोटी चीजों में, सो आपको आसानी से वो समझ में आ जाए। दैट्स इट, यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिखो। यस, राइटिंग। जब हम लिखने का काम करते हैं तो दिमाग के अलग अलग हिस्से भी उसमें काम आते हैं एंड उससे ही हमें मदद मिलती है उस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, राइट? सो आप अगर लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है वो चीज समझने के। एंड बेस्ट वे ये होता है कि अगर आप आपके खुद के लैंग्वेज में लिखो। यस, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ के हो गया तो उसे आप आपके खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हो। हमारा फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कनेक्शन। यस, कोई भी चीज आपको समझनी हो तो बेटर वे ये होता है कि आप उस चीज को जनरल थिंग्स के साथ, जनरल चीजों के साथ जोड़ दो। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बेस्ट टीचर्स होते हैं वो हमेशा उनके कॉन्सेप्ट्स को जनरल चीजों के साथ जोड़ देते हैं और बाद में उसे समझाते हैं एंड वो समझना भी इजी हो जाता है आपके लिए, राइट? सो यही आपको भी करना है। जो भी चीज आपको समझनी है उसे जनरल लाइफ में जो एग्जाम्पल्स है उनके साथ जोड़ दो ताकि समझने में आसानी हो। सपोज आपको सोलर सिस्टम लर्न करनी है तो आपको क्या करना है, सिंपली जो जो प्लैनेट्स है उनको अलग अलग फ्रूट के शेप में इमेजिन करना है। सो दैट आप नेक्स्ट टाइम जब भी रिकॉल कर पाओगे वो आसानी से रिकॉल कर पाओगे। ओके, सो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कनेक्शन। आपको कॉन्सेप्ट्स को जोड़ना है जनरल चीजों के साथ। एज अ पेरेंट आप ऐसे ही अलग अलग इम्पोर्टेंट टेक्निक्स एंड नॉलेज पाना चाहते हो तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम डेली ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक मैंने नीचे शेयर किया हुआ है, सो ज्वाइन द ग्रुप। और कोई भी हेल्प चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।